कॉस्मस बैंक का इंटरनेशनल वीसा डेबिट कार्ड होते हैं, तो इंटरनेशनल वीसा क्रेडिट कार्ड से सैटरडे के दिन बंद होते हुए 2 घंटा 13 मिनट में, सिर्फ 2 घंटा 13 मिनट में 12,000 ट्रांजेक्शन्स हुए, तो 12,000 विड्रॉवल्स हुए हैं, और वो भी एटीएम से, न तो पेट्रोल पंप पे वगैरह हुए हैं, जिनका वैल्यू $100, $200, $500, $1,000, $2,000 ऐसे है। तो इतने बड़े पैमाने पे 21 देशों में ये ट्रांजेक्शन हुए हैं। ये पूरा ये क्रिमिनल रैकेट है, ये खाली साइबर अटैक और सिंगल ट्रांजेक्शन से पैसा बाहर गया ऐसी केस नहीं है। तो उसके ऊपर 21 देशों से, अलग अलग एटीएम सेंटर से, अलग अलग ट्रांजेक्शन से इतना पैसा निकलना, इसके लिए बड़ी कोई क्रिमिनल सिस्टम काम कर रही है। इसके लिए लगभग 450 कार्ड इस्तेमाल वीसा के हुए हैं। जैसा कि हमें ध्यान में आया कि जो नॉर्मल हमारे वीसा के डेबिट ट्रांजेक्शन होते हैं उससे ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन आने के बाद छुट्टी के दिन होते हुए भी, जैसा हमारा वीसा के ग्लोबल ऑफिस से संदेश हुआ तभी हमने ये ग्लोबल सिस्टम वीसा की डेबिट की तुरंत बंद कर दी। तो खाली 2 घंटा 13 मिनट में इतने उड़ाल हुए। अगर ये चालू रहता था, शनिवार छुट्टी का दिन था, रविवार छुट्टी का दिन था, तो करोड़ों अब्जों रुपये का भी ये काम हो जाता था। ये स्विचिंग सिस्टम जो है उसमें मालवेयर अटैक हुआ है, और ये बैंकिंग सिस्टम पे अटैक है, ये कॉस्मस पे अटैक नहीं है, ये कॉस्मस के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पे अटैक नहीं है, अकाउंट होल्डर पे अटैक नहीं है, ऐसा हमें लग रहा है। और इसके लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम कर रही है। हमने जहां जहां केस दर्ज करना था वहां केस दर्ज किया है।